प्रमिला, जी सर। प्रमिला का मतलब क्या होता है? सूर्य की पहली किरण। सूर्य की पहली किरण, जी सर। और अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरा नाम प्रमिला देवड़ा है, मैं पाली से बिलोंग करती हूँ। okay. और मेरी एजुकेशन स्कूलिंग मेरी पाली से ही हुई है, मेरी कॉलेज भी पाली से ही हुई है सर। बस यही है आपका परिचय? जी सर। इसके अलावा आपके परिचय में आपने कहा कि आपकी स्कूलिंग पाली से हुई है, जी सर। लेकिन आपके बारे में बताने के लिए और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने BSc किया है, LLB किया है आपने, जी सर। तो भी आप बता सकते हैं अपने बारे में, फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली अपने बारे में बताइए, आपके क्या इंटरेस्ट है, आपने हॉबीज़ में कुछ भी नहीं लिखा है। हॉबीज़ सर वॉकिंग करना है और मूवीज़ देखना है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि आपको मूवीज़ देखना पसंद है। कोई रिसेंट मूवी देखी हो आपने जो कि? 12th फेल। अच्छा, और कोई ऐसी मूवी जो आपके प्रोफेशन से रिलेटिंग हो आपको लगता है? आर्टिकल 15 सर। आर्टिकल 15 देखी थी आपने? अच्छा ठीक है। और कोई मूवी आपने देखी हो, कोई वेब सीरीज? सेक्शन 376 सर, डी सर। सॉरी, सेक्शन 376 डी। ओके ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपने लॉ की फील्ड क्यों चूज़ की, जबकि आपने BSc किया था, आप MSc कर सकते थे, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। लॉ में परिस्थितियाँ लगी मुझे ऐसे देखकर कि लॉ में जाना चाहिए सर, मुझे इंटरेस्ट भी आया था सर। मतलब किस चीज़ ने आपको मतलब इंस्पायर किया है, आपको मोटिवेट किया लॉ में आने के लिए? महिलाओं से रिलेटेड सर ऐसे देखते बहुत बार कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं रहती सर, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। महिलाओं से जुड़े हुए आप मुझे 3 कानून बता दीजिए। 3 कानून जी, जो महिलाओं डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पूरा बताइए, पूरा एक्ट बताइए, साल सन के साथ बताइए, कौन से ईयर में आया था आपने? डोमेस्टिक वायलेंस 2005 सर, सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013। और पूरा नाम क्या है एक्ट का? सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम। अच्छा ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर आपने लॉ बता दिया। तो इसमें कंप्लेन अगर कोई फीमेल करती है तो वो कंप्लेन को कौन एड्रेस करता है? एक फीमेल एक कंपनी में काम करती है, वो कंप्लेन करना चाह रही है इस एक्ट के अंडर, तो वो कंप्लेन किसको कर सकती है? सर वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई होती है, उन कमेटी पे ओके अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी है ही नहीं तो किसको कंप्लेन करेंगे? जहाँ पर वो काम कर रही है सर, वहाँ के प्रबंधक को, मैनेजर को। अगर वो हैरेसमेंट उसी मैनेजर ने ही किया है तो? ओके ठीक है। आपका लॉ में भी फेवरेट सब्जेक्ट था? फेवरेट सब्जेक्ट आपका लॉ में कोई भी जो आपको बहुत पसंद रहा हो? सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है सर, बट फिर भी एविडेंस। ओके, आपने LLM भी किया है? आपने LLM? नहीं सर। ठीक है ओके। ओके, अभी लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? कभी सुना हो लोकल कंप्लेंट्स का? सुना है। अच्छा, ये क्या काम करती है सर? ये जिस भी डिपार्टमेंट में जो महिलाएं होती हैं उनकी कंप्लेंट सर, अगर उनके खिलाफ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है सर, हैरेसमेंट। अच्छा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होती है? ये सर 10 से ज़्यादा अगर कर्मचारी हो तो वहाँ होती है सर। अच्छा, मान लीजिए एक महिला है जो किसी घर पे झाड़ू पोछा करने जाती है, खाना पकाने जाती है किसी निजी आवास पे, और उसके साथ वहाँ पे उत्पीड़न होता है, तो क्या वो इसमें कवर होगी? जी सर होगी, कार्यस्थल में सम्मिलित होगा निजी आवास। ओके, कुछ प्रावधान राइट टू लाइफ से संबंधित, जो राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, जिनके बिना जीवन जीने का जो अधिकार है वो अधूरा है। फिलहाल में तो सर राइट टू इंटरनेट जरूरी है। राइट टू इंटरनेट? अच्छा, राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट? जी सर। हाउ कैन यू मींस? सर अभी एक जजमेंट आया अनुराधा भसीन करके। ओके, अनुराधा भसीन किस चीज से संबंधित है ये बात? राइट टू इंटरनेट से ही है सर। ओके, किसी राज्य विशेष से संबंधित ये है? जी सर, ये जम्मू कश्मीर राज्य में शायद नेट बंद हो गया था, तो उसी हिसाब से शायद सर, नॉट कंफर्म। ओके, अच्छा क्या कारण रहे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद रखने के? सर आर्टिकल 370 को हटाने के हिसाब से सर। हटाने के हिसाब से नहीं, हटा तो उसे दिया गया संशोधन करके उसमें कुछ, और वो संशोधन पूर्ण रूप से उसको निश्चित करते? आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया जी। तो इट हैज बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड और इट हैज बीन पार्शियली स्टक डाउन? पार्शियली सर। ओके, व्हाट आर द प्रोविजन दैट हैज बीन स्टक डाउन? सर अभी वहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं हम, अब
मुझे जहाँ तक नॉलेज में से, और शादी मींस एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जी सर। अच्छा, वहाँ का कोई राष्ट्रीय ध्वज भी हुआ करता था जी सर, वहाँ की उनकी पर्सनल एक दंड संहिता भी हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? ओके, भारत जोड़ो सेतु, ये हमारे राजस्थान में कहीं इसकी अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ था रिसेंटली, भारत जोड़ो, सॉरी सर। ओके, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के, श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिक्र है जी सर, सोशलिस्ट क्या डिनोट करता है, इसे क्या समझते हैं सर? समाजवाद, जितने भी भौतिक संसाधन होंगे वो सारे समाज सारे व्यक्तियों को इक्वली बांटे जाएंगे सर। अच्छा, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष सर, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सारे धर्मों का, सारे धर्म अपने अपने हिसाब, सारे व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं। अच्छा, एक अनुच्छेद है जिसमें एक आ गया है कि किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा जी सर, इससे आपको एक फ्रीडम दी गई है जी सर। तो पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी जानकारी में जब ऐसा टैक्स लगाया जाता था? अच्छा, आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां कौन कौन सी? सर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, सभी आर्टिकल अपने आप परफेक्ट बुक तो कैसे हो सकती है, सभी आर्टिकल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल, फिर भी आपको लगता हो कि ये वाली चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए थी, ये इसमें और भी कुछ ऐड होना चाहिए था? नहीं सर, आपको अवसर दे दिया गया, आपके सामने रख दी गई ये पुस्तक, कैसे करोगे आपको कमेटी का चेयरमैन बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी का, आपको 6 महीने में जाकर रिपोर्ट देनी है, तो 6 महीने बाद ये लिख के दोगे कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया बढ़िया, इसमें क्या करो सर? जैसे भाग थर्ड, भाग 7 सर अभी भी लिख रखा उसमें, क्या भाग 7 मतलब, क्योंकि भाग 6 के बाद भाग 8 डायरेक्ट आ जाता है, भाग 7 अभी भी वहीं रखा है, तो सर उसको हटाएंगे पहले, क्योंकि वो रिपील ही हो रखा है। 8 को आप 7 कर दोगे मतलब? हाँ सर, मतलब सफलिंग ऐसे हो सकती है इसमें। हाँ, इसके अलावा तो सर सारी। अच्छा, रिपील और डिलीट में रेफरेंस क्या है, मतलब रिपील वर्ड क्यों यूज किया गया? रिपील सर पहले कोई लॉ हुआ करता था, उसकी बेस उसकी जगह पर अब दूसरा लॉ आया है, इसलिए उसको रिपील कर दिया, जैसे नए एक्ट आए सर अभी, जैसे अभी BNSS आए और BSS आए सर, और उनको रिपील किया है सर, ये CRPC और ये सब है, इनको रिपील किया है BNSS और BSS वगैरह। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप ये कह रहे हो कि पार्ट 7 को हटा दोगे और पार्ट 8 जो है वो पार्ट 7 हो जाएगा जी सर, ऐसा करोगे जी सर। आर्टिकल 395 जैसे है उसमें रिपील लिखा हुआ है, तो आप ये बोलोगे फिर आर्टिकल 394 ही रहेंगे, ऐसा करोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ सर, अमेंड करके, तो अमेंड तो कर ही रखा ना पार्ट 7 को, कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो है, 7th अमेंडमेंट 1956 से हटाई दिया ना उसको, जब हटाई दिया तो फिर उसको पूरा हटा देते ना, सफलिंग कर देते, उसमें क्या दिक्कत थी, फिर क्यों नहीं किया, और क्या कमी लगती है आपको? जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कमी लगती है सर? वो इलेक्शन का मेथड समझ में नहीं आता बहुत बार, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सर आज भी समझ में नहीं आता। नहीं सर, तो वोट और वोट वैल्यू में क्या डिफरेंस है उसमें? वही समझ में नहीं आ रहा, वही समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमी, उसमें कमी है बस, हाँ सर वो कमी है कि वो कॉमन मैन के समझ के बाहर, हाँ, है, क्या ही सिस्टम बनाते हैं वो खुद ही जाने, क्या कैलकुलेशन करते हैं वो जाने, ये कमी है। राज्यसभा की रिलेवेंस है कुछ? राज्यसभा की रिलेवेंस है मतलब बाई कैमरा लेजिस्लेशन है, यूनिकैमरल कर सकते थे उसको, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं या करना चाहिए? दूसरा सदन कितना आवश्यक है सर, ये जानना चाहते हैं, उसकी भूमिका कितनी है? तो सर राज्य में 249 सर अभी आर्टिकल याद आ रहा है, वो
उसी में तो स्पेशल पावर है। चलो आर्टिकल 249 और दूसरा कौन सा है स्पेशल पावर है उसकी राज्यसभा के लिए? अभी आर्टिकल 249 नहीं याद आ रहा है। 312 दो स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा जरूरी क्यों? अच्छा स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर राजस्थान में नहीं है, यूपी बिहार महाराष्ट्र में है, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ये तो स्टेट को ही पावर दे रखी है, अगर वो चाहे तो बना सकते हैं ये, तो इससे हम राज्यसभा भी लागू होता है उसको बढ़ा देना चाहिए था। अच्छा आपकी हॉबी वॉकिंग है? जी सर। अच्छा आप कितना कदम चलो तो 1 किलोमीटर चल लोगे? सॉरी सर फिर भी कोई आइडिया? जनरली हम दो स्टेप के एक दो स्टेप के बीच में 1 फिट का गैप मान लेते हैं, तो आप कितने कदम चलोगे तो 1 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे? 200 से 250 कदम सर। 250 कदम पे 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा शायद। जब 1 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो कितने किलो कैलोरी बर्न होगा? नॉर्मल वॉकिंग वॉक और ब्रिस्क वॉक में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। घूमते कैसे हो? खाना खाने के बाद आधे घंटे टहल लिया होगा, वो हॉबी थोड़ी है। रात के 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही तो क्या वॉक करोगे? नहीं सर। फिर क्या करोगे? मोबाइल मूवीज देख। फिर मूवीज देखोगे? मतलब हॉबी मूवीज देखना है? जी सर। वॉकिंग की वॉक करना है? दोनों ही है सर, मतलब दोनों ही। रिसेंटली मूवीज कौन सी देखी? 12th fail। 12th fail में सर क्या खास था? सर वो परिस्थिति से लड़ना सिखा रहे सर, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ये बता रहे सर, माइंडसेट हमें हमेशा। जस्ट मूवी कमी बताओ, अच्छाई तो सबको बताओ। ट्वेल्थ फेल जो पोस्टर है ना उसके साथ हैशटैग करे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? ट्वेल्थ फेल लिखा हुआ उसके नीचे हैशटैग करके कुछ वर्ड है, क्या है वो? उसके ऊपर गाना भी है फिर। सॉरी सर। अच्छा प्रियंका आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो इतने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, इनको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स आपको लगता है कि लेने चाहिए जिससे नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए? कोर्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए सर। ओके ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ा दें? जी सर। मतलब 100 कोर्ट्स है तो 200 कोर्ट कर दें, केसेस कम हो जाएंगे या केसेस बढ़ जाएंगे? केसेस बढ़ जाएंगे सर। कम कैसे होंगे? जल्दी सर उनको निपटा कर ही कम हो सकते। जस्टिस तो अपने स्पीड पे काम करेगा ना। एक जज थे मुजफ्फरनगर के, क्या नाम था, तो उन्होंने 114 केस निपटा दिए थे एक दिन में। उनमें से ज्यादातर केस ऐसे थे दोबारा फिर खोलने पड़ गए, तो स्पीड तो वही रहेगी उसकी। ठीक है प्रमिला, आप वेट कीजिए, बार आपको हम फीडबैक के लिए। आइए। प्रमिला आप ना ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील मत कीजिए, आपको मैंने एक जो रिएक्शन नोटिस किया ना आपके फेस पे आ रहा था कि मुझे नहीं आ रहा, तो आपके सामने इस तरह क्वेश्चंस फेंके जाएंगे जिनके शायद आप देने में कंफर्टेबल नहीं, तो उस समय वो दिखाना नहीं है कि हाँ मेरे बस की नहीं है। बस नहीं, रोस्टिंग होगी थोड़ी सी, बिल्कुल होगी, मुझे तो और उससे बाहर निकलना है फिर।
एक भी आंसर नहीं आ रहा था मुझे तो नहीं आया बोले कोई दिक्कत नहीं आना आप इंटरव्यू तक पहुंचे ना तो वो आपका अचीवमेंट है ना जी। आप इंटरव्यू तक इसीलिए आते हैं कि आपको कुछ आता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भी आता तो ये तो आप ये हर सवाल का जवाब जो है वो हर व्यक्ति को पता नहीं होता हर इंसान को पता नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कोई बात नहीं और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे लेकिन एक आपको सजेशन ये है कि आप जो भी लीगल डेवलपमेंट्स पढ़ें उनको एनालाइज कीजिए जैसे सर राज्यसभा के बारे में बात कर रहे थे तो आप एक पॉइंट ऐड कर सकते थे कि सर इससे एक जब भी कोई लॉ बनता है तो डबल डिस्कशन होता है और किसी भी लॉ का जो इम्पैक्ट होता है पूरे देश पे होता है तो अगर उसका अलग अलग तरह से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए उसके बात करेंगे तो हम एक बेटर लॉ फ्रेम करवाने राज्यसभा जो है रोल प्ले करती है आप इस तरीके से बोल सकते थे आप ये बोल सकते हैं कि सर जो लोग राजनीति में डायरेक्टली नहीं है इनडायरेक्टली वो राज्यसभा के थ्रू आते हैं तो वो भी देश के विकास में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं तो आपको तो बस नॉर्मल सोचना है कि दो तीन पॉइंट राज्यसभा के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ठीक है सूझ ही नहीं रहा था सर दिमाग कुछ हाँ, उसको उस समय दिमाग को खोलना एक्चुअली दिमाग आपका एंटीना की तरह से काम करेगा है ना आपको केवल खुद पे विश्वास करना है और वो दिमाग में वो पेज खोल ले जो आपने पढ़ा हुआ था अपने आप खुल जाए कोई दिक्कत नहीं जो भी आप न्यूज रिकॉल करोगे तो होगा आपने जैसे अपने दिमाग को बंद कर दिया कि मुझे तो मना करना है फिर वो नहीं खुलेगा आंसर ढूंढने की कोशिश सर कह रहे ना दिमाग से आंसर मांगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्या मैरिट हो सकती है इसकी है ना क्या पहले सरेंडर मत कीजिए पहले आप ये मत सोचिए कि मेरे को नहीं आता थोड़ा विचार थॉट प्रोसेस को बड़ा करोगे ना तो अपने आप निकल कर जाएगा एक आपने LLB 2020 में कंप्लीट की तो अभी 24 है तो आपसे ये जो गैप है इसके बारे में पूछा जाएगा तो अभी इन दिनों में आप क्या कर रहे थे प्रिपरेशन ही कर रही हूं सर ओके तो ये आंसर है नहीं सर ये आंसर मत देना करो तो सर क्या जवाब दे सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ इस तरह की कुछ चीज कुछ ना कुछ तो लेके आओ बट सर मैं कर ही नहीं हूं फिर मुझसे कोर्ट का कुछ पूछ लिया तो कोर्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ना बेसिक तो आपको अभी इंटर्नशिप वगैरह की है कभी नहीं कभी इंटर्नशिप्स नहीं की तो अभी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं जी तो कुछ लिखते हैं वैसे LLM चल रही है मेरी LLM, तो दैट इज जेन्युइन यही बोलना है अभी आपने कहा प्रिपरेशन चल रही है लेकिन अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर ही हुआ है सर उसका रिजल्ट लेकिन दैट इज गोइंग ऑन ना तो वो आपको कवर कर दोगे गैप तो फिल हो गया गैप कितने मार्क्स थे आपके रिटर्न में 146 ठीक है आप थोड़ा सा और न्यूज़ पढ़िए और रीसेंट जजमेंट्स आप जरूर पढ़िए जी सर ठीक है गुड थैंक यू सर